नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको ये सवाल आते रहते हैं, और ये हमारा जो सवाल है ये किसी हमारे दिव्यांगजन का ही है, और ये काफ़ी परेशान है। और उन्होंने सब डॉक्टर्स को और मेडिकल फैसिलिटीज़ को और हम जैसों को सबको फेक बोल दिया है। देखिए, इनको फेक बोलने का पूरा राइट भी है, लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो चेंज हुए हैं। पुराने सर्टिफिकेट उनको जमा कराने पड़ेंगे और उनको जमा करवा के नई परसेंटेज लेनी होगी। तो ये तो हमारा 2016 से अपडेट हो रहा है, 2014 से हमने प्रोसेसिंग में डाला हुआ है। तो इसमें अपडेट करवाने में किसी भी दिव्यांगजन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला कि आपका सर्टिफिकेट फेक है, तो आप उसमें डर क्यों रहे हो? अगर आपकी एक्चुअल डिसेबिलिटी है, आपकी गली वाले आपको डिसेबल बोल रहे हैं, तो आप जाके अपना पर्सनल सर्टिफिकेट दिखाइए और नई असेसमेंट करवा के अपना UDID कार्ड इशू करवा लीजिए। इसमें इतनी बड़ी फैकल्टीज़ को आप फेक बोल रहे हो, ये तो सही नहीं होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई कमी होगी तो डॉक्टर्स उसको दूर कर देंगे, और आपका जो पुराने वाला सर्टिफिकेट है वो जमा हो जाएगा रिकॉर्ड में और नया आपको इशू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया तो वो आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा कि असेसमेंट फॉर डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाइए। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।